स्टमक कैंसर का पता कैसे लगाएं? स्टमक कैंसर का निदान करने के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं। एंडोस्कोपी से डॉक्टर शरीर के अंदर एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब के साथ देख पाते हैं। पेशेंट को बेहोश किया जाता है क्योंकि यह ट्यूब मुंह के माध्यम से अन्य नली के नीचे और स्टमक तक पहुंचाई जाती है। एंडोस्कोपी से एक टिश्यू की छोटी मात्रा को रिमूव किया जाता है, जिसे बायोप्सी कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट नामक डॉक्टर इस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के तहत देखकर इसकी जांच करते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड परीक्षण एंडोस्कोपी के समान ही है, लेकिन इसमें एंडोस्कोप के अंत में एक छोटी अल्ट्रासाउंड प्रोब होती है। स्टमक की अल्ट्रासाउंड की छवि डॉक्टर को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि कैंसर स्टमक और पास के लिम्फ नोड्स, टिश्यू और अंग जैसे कि यकृत या फिर एड्रिनल ग्रंथियों में कितनी दूर तक फैल गया है। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब स्टमक के छोटे ट्यूमर को डॉक्टर एंडोस्कोपिक से निकालने की योजना बना रहे होते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन विभिन्न एंगल से लिए गए एक्सरेज का उपयोग करके शरीर के अंदर की तस्वीरें लेता है। कंप्यूटर इन चित्रों को एक विस्तृत थ्री डायमेंशनल इमेज में जोड़ता है जो किसी भी एबनॉर्मालिटी या ट्यूमर को दर्शा सकता है। ट्यूमर के आकार, स्थान और विस्तरण को मापने के लिए सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। इमेज पर बेहतर माहिती प्राप्त करने के लिए सीटी स्कैन से पहले एक विशेष डाई जिसे कॉन्ट्रास्ट मीडियम कहा जाता है वो दिया जाता है। यह डाई आमतौर पर निगलने के लिए और साथ ही में नस द्वारा इंजेक्शन के रूप में दाखिल की जाती है। पेट स्कैन, जिसको हम पेट सीटी स्कैन भी कहते हैं, ये आमतौर पर सीटी स्कैन के साथ जोड़ा जाता है। पेट स्कैन शरीर के अंदर अंगों और टिश्यू की तस्वीरें बनाता है। रोगी के शरीर में एक रेडियो एक्टिव शुगर पदार्थ को थोड़ी मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है। यह शुगर पदार्थ उन कोशिकाओं द्वारा लिया जाता है जो सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्योंकि कैंसर सक्रिय रूप से एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उपयोग करता है। यह रेडियो एक्टिव पदार्थ इस एरिया में केंद्रित हो जाता है, पर यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है जो शरीर को हानि नहीं करती है। लैप्रोस्कोपी एक कॉमन ऑपरेशन है जिसमें सर्जन पेट के अंदर लैप्रोस्कोप नामक एक पतला कैमरा दाखिल करता है। इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए होता है कि पेट का कैंसर पेट की कैविटी में, अंदर की त्वचा में या फिर लिवर में फैल गया है कि नहीं। बायोमार्कर परीक्षण ऐसे जीन और प्रोटीन के लिए किए जाते हैं जो ट्यूमर टिश्यू पर किए जाते हैं। स्टमक के कैंसर के लिए PD-L1 और माइक्रोसैटेलाइट इनस्टेबिलिटी के लिए टेस्टिंग किया जाता है, जिसे मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या ट्यूमर ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर नामक प्रोटीन का खुद निर्माण कर रहा है भी कि नहीं, खासकर अगर ये कैंसर एडवांस है। इन परीक्षणों के परिणाम से डॉक्टरों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि इम्यूनोथेरेपी या फिर HER2 टारगेटेड थेरेपी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। स्टमक के कैंसर में स्टेज 1 और स्टेज 2 का मतलब यह है कि ट्यूमर स्टमक की दीवार के भीतर ही सीमित। स्टेज 3 में ट्यूमर आसपास के लिम्फ नोड्स में फैल गया होता है। स्टेज 4 में तब होता है जब ट्यूमर स्टमक के ड्रेनेज एरिया के बाहर के लिम्फ नोड्स में फैल जाता है या फिर पेरिटोनियम, लिवर या फिर फेफड़े जैसे अन्य अंगों में फैल जाता है।